वेलकम बैक टू अनदर। दोस्तों मैं निजाम आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल क्रिप्टो इनकम पर। तो दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर ना हम आपके कुछ क्वेश्चंस हैं जिसका आंसर करने वाले हैं, और साथ के साथ जो बीटीसी का हिस्ट्री रहा है, जो ये डंप जो आ रहा है, क्योंकि काफ़ी लोग डरे हुए हैं कि भाई अब लग रहा है बियर मार्केट आएगा, या कुछ लोग कह रहे हैं कि अब हम बर्बाद हो गए, अब कभी रिकवर नहीं हो पाएगा क्रिप्टो मार्केट, है ना, पैनिक सेल आउट भी हो रहा है। तो उसको दूर करने के लिए आज हम कुछ हिस्ट्री आपको दिखाने वाले हैं। हालांकि इससे पहले भी हमने इसके ऊपर चर्चा किया था, लेकिन आज डीप डाउन जाके हम समझाएंगे और दिखाएंगे आपको कि हालविंग के कितने टाइम तक एक्युमुलेशन जोन चलता है। और ये पहली बार नहीं हुआ है, हर बार ये चीज़ें हुई है, ठीक है, पास्ट के अंदर हर बार ये चीज़ें हुई है। सो दैट आज का वीडियो इम्पोर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि आज आपको ये भी जानने को मिलेगा कितने टाइम तक ये हाल आई थिंक एक्युमुलेशन जोन चलेगा, एक डंप जोन के अंदर चलता रहेगा बीटीसी और पूरा क्रिप्टो इंडस्ट्री। इसके साथ साथ बेबी डॉज कॉइन के भी बारे में अपडेट दूंगा। जी हाँ दोस्तों, क्यों काफ़ी बड़ा यहाँ पर रिकॉर्ड कायम कर रहा है। इससे भी इम्पोर्टेंट ये है कि भाई हैमस्टर कॉमबैक, जो कि एक माइनिंग प्लेटफॉर्म है, माइनिंग ऐप है, और लाखों करोड़ों लोगों ने इसको भाई काफ़ी अच्छा खासा जो है डाउनलोड्स दिया है, काफ़ी यूज़ कर रहे हैं, तो उसका भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड का काफ़ी बड़ी यहाँ पर न्यूज़ निकल के आई है, वो भी बताऊंगा। और क्या ये जेन्युइन है या फेक है, या उससे हमें कितना लाख करोड़ तक फ़ायदा हो सकता है, वो भी बताऊंगा, क्योंकि काफ़ी लोग जो है ना इसको यूज़ कर रहे हैं, और भाई आप तो वो अरबपति बन गए सिर्फ इसको यूज़ करके, लोग सोच रहे हैं, तो ये चीज़ें भी बताऊंगा। वीडियो इंपॉर्टेंट है, वीडियो को जरूर तक देखिएगा। दोस्तों पहली बार हमारे चैनल के ऊपर आए, मेक श्योर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल जरूर कीजिएगा। इसके साथ साथ टेलीग्राम ट्विटर हैंडल सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई टेलीग्राम, क्योंकि यहाँ पर वो चीज़ें मिलती है जो कहीं नहीं मिलती है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर न्यूज़ अपडेट्स मिलती है, बाइंग कॉल सेलिंग कॉल देता हूँ, और आपके जो क्वेश्चंस होता है वो भी इस वीडियो के थ्रू, जो इस टाइम में बेबी डॉज कॉइन का जो अपडेट्स वाली वीडियो आती है उसके थ्रू हम शेयर करते रहते हैं उसका आंसर। सो दैट जरूर जुड़िए, हमारे फैमिली का पार्ट जरूर बनिए। तो सिंपल सा पहले कुछ क्वेश्चन का मैं आंसर देना चाहूँगा कि भाई यहाँ पर जो ना कुछ लोग ने, कुछ भाई ने यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस के बारे में पूछा है, कुछ कॉइन्स के बारे में। तो डेगन कॉइन ठीक है, इसके बारे में, VMPX के बारे में, इन सब के बारे में वीडियो बना दूंगा आने वाले टाइम के अंदर, आपको वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है। देन एक भाई ने यहाँ पर जो है क्वेश्चन पूछा है कि भैया यहाँ पर जो है मैंने कुछ आंसर भी दिया है कि DCA करते करते जो है हम मर जाएंगे, ऐसा बोल रहा है कि भाई कब तक हम DCA करें। तो देखो दोस्तों एक चीज़ हमेशा बोलता हूँ, अगर आपके पास फंड है पड़ा हुआ तो DCA करो। हालांकि देखो यार, जब भी मैं कोई कॉइन सजेस्ट करता हूँ तो हमेशा ये रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप एक रुपये पर कोई कॉइन ले रहे हैं, दो रुपये का हुआ, अपना प्रिंसिपल अमाउंट निकाल लो, उसके बाद प्रॉफिट को वहाँ पर छोड़ दो, और वो जो प्रिंसिपल अमाउंट निकाल के फिर दूसरे प्रोजेक्ट के अंदर या तो लगाओ, या अगर वो नीचे आए तो DCA करने के लिए रखो, ठीक है, दोनों ऑप्शन है। फिर भी अगर आपने अच्छा खासा पोर्टफोलियो बिल्ड कर लिया है, आपके पास फंड नहीं है, तो मैं अगर DCA भी बोल रहा हूँ या कोई और भी बोल रहा है तो आपको इग्नोर करना है इस चीज़ को, लेकिन पैनिक सेल आउट नहीं करना, आपको होल्ड करना है, आपको पेशेंस रखना है। यहाँ पर क्रिटिकल सिचुएशन होगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन होल्ड करना है। अभिषेक जी ने यहाँ पर कहा कि भैया मेंटा जो है 100x जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, पूरी पॉसिबिलिटी है, बिकॉज ऑफ अभी हम देखिए काफ़ी ज़्यादा कम मार्केट कैप है, मिलियन के अंदर है, और भाई ऑब्वियसली भाई जब पेपे जैसा 6 बिलियन लेके बैठा हुआ है मार्केट कैप, तो ये $1 बिलियन नहीं जा सकता, इजिली जा सकता है, बहुत ज़्यादा जा सकता है। लेयर 2 सॉल्यूशन है, ZK सिंह के ऊपर काम कर रहा है, तो इसके अंदर काफ़ी अच्छा खासा रैली अप हो सकता है और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी हमें और आपको मिल सकता है, ठीक है। हाँ भैया, एक भाई ने यहाँ पर पूछा, बोला है कि हमने 2 लाख जो है वर्चुअल वर्जन पे बाय किया, वर्चुअल वर्जन को 0.002। तो देखो ये थोड़ा सा दिक्कत वाला बात है, इसलिए दिक्कत वाला बात है कि लो कैप जो छोटे मार्केट कैप वाले कॉइन्स है इसके अंदर, हाँ अगर आपका पोर्टफोलियो है भाई करोड़ों का पोर्टफोलियो है तो आप 2 लाख लगा लो तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर आपका पोर्टफोलियो 5 लाख 7 लाख 10 लाख 12 लाख का है और उसके अंदर 2 लाख आप ऐसे कॉइन के अंदर लगा रहे हो, तो भाई ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल चीज़ है, बिकॉज ऑफ लो मार्केट कैप वाले कॉइन स्कैम भी ज़्यादा होते हैं, लो मार्केट कैप वाले कॉइन भाग भी बहुत जल्दी जाते हैं, मार्केट के अंदर डंप के डंप ही रह जाते हैं, ठीक है। हालांकि वर्चुअल वर्जन AI प्रोजेक्ट है, काफ़ी अच्छा काम भी कर रहा है, बट फिर भी मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप 2-2 लाख रुपये जो है एक ही AI प्रोजेक्ट या एक ही छोटे लो कैप कॉइन के अंदर लगा दो, आप इसको डाइवर्सीफाई कर देते, 4 भाग में कर देते, 50-50 हज़ार रुपये लगाते, तो वो ज़्यादा बेनिफिशरी रहता। हालांकि एक भाई ने ये भी कहा है, ठीक है, हमारे यहाँ पर है यार ऐसे ऐसे भाई है जो इसका आंसर भी देते हैं, ठीक है।
इसके बाद अगर हम देखें तो भैया यहाँ पर जो है एक कैंडल, अच्छा ठीक है, तो इसी के बारे में यहाँ पर अपडेट था। तो ये कुछ क्वेश्चंस था जो आपके थ्रू जो है यहाँ पर पूछा गया था हमारे टेलीग्राम के ऊपर, जिसका मैंने ऑलरेडी आंसर कर दिया है। चलते हैं आप थोड़ा सा यहाँ पर पास्ट के बारे में जानते हैं कि भैया पास्ट के अंदर क्या एक्युमुलेशन जोन इतना टाइम तक रहा है या नहीं रहा है। चलते हैं सीधा बीटीसी की चार्ट की तरफ, और ये हमने चार्ट काफ़ी टाइम पहले ड्रॉ किया है और इसी जोन के अंदर काफ़ी टाइम से बीटीसी चल रहा है। ऑलरेडी आप देख रहे हो डाउन ट्रेंड, यहाँ पर ब्रेकआउट मिला, यहाँ पर सपोर्ट मिला, फिर गया रिजेक्शन, यहाँ पर दो बार मिला, अभी जो है सपोर्ट के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो कि ऑलरेडी हम देख रहे हैं। हालविंग कब हुआ था भैया? हालविंग हुआ था हमारा 19 अप्रैल को हुआ था, ठीक है, और अभी 29 जून को ये वीडियो शूट हो रहा है, आप खुद देख सकते हो। और अभी तक अगर हम देखें तो लगभग जो है अप्रैल मई गया और एक जून गया, लगभग दो महीने हुए और एक ही जून के अंदर चल रहा है। तो अगर हम इससे पिछला वाला बुलरन अगर दिखाएंगे तो यहाँ पर ये देख सकते हो, ये था हालविंग का टाइम, ठीक है। यहाँ पर ये देखो आप भाई, बहुत मेरे भाई बोलते हैं कि भैया हालविंग के बाद तो खूब ऊपर जाता है, खूब ऐसे होता है, खूब ऐसा होता है, ये देखो भाई। तो भैया यहाँ पर आप देख सकते हो, ये देखो, ये था भैया डम्प, ये हुआ हालविंग, ठीक है, 11 मई को। और इसके बाद ये देखो कितना टाइम तक, 11 मई से अगर हम देखें तो ये जुलाई तक, 21 जुलाई, 24 जुलाई, 25 जुलाई तक जो है एक ही रेंज के अंदर पंप एंड डंप होता रहा। टॉप कहाँ पर लगा? अगर मैं थोड़ा सा ऊपर ले जाऊंगा तो भैया $10,300। डाउन जो डंप लगा वो कितना लगा? $8,664। उस टाइम में भी $2,000 का जब कम रेट था बीटीसी का, यहाँ पर पंप एंड डंप किया गया और एक ही जोन के अंदर काफी टाइम तक, दो महीना यहाँ पर चलता रहा। क्या दो ही महीना चला? बिल्कुल भी नहीं दोस्तों, जुलाई के मंथ से मार्केट के अंदर थोड़ा सा पंप भी देखने को मिला है, जो कि इसको $10,000 से लगभग $9,100 मान लो, वहां से इसको लेके जाता है भैया $12,200 तक, ठीक है। फिर यहाँ पर और भी अच्छा खासा रैली यहाँ पर देखने को मिलता है, जो सीधा इसको जो है अगर हम देखें थोड़ा सा मैं थोड़ा सा आगे चला गया यार, थोड़ा सा यहाँ पर देखें तो भैया कहा गया ये 12,000। लेकिन फिर ये मंथ आता है कौन सा भैया? ये सितंबर का मंथ, जो कि एक बड़ा कैंडल के साथ सीधा नीचे की तरफ आता है और फिर इसको 10,000 के जोन में लेके आता है, यानी 9,000 से क्या काम भैया 12,400, फिर वापस ये 10,000 के 9,800 के रेंज में वापस से आ जाता है। तो कहीं ना कहीं ये मंथ यहाँ हालविंग से आप जोड़ लो, या कितना मंथ हो गया? हालविंग हुआ था भैया मई में और ये चल रहा भैया सितंबर, यानी कि 4-5 महीने तो इसी जोन में घूम रहा है। और पंप कब से आया? ये है अक्टूबर का मंथ, 15 अक्टूबर के बाद बिटकॉइन ने करवट बदला और 15 अक्टूबर के बाद एक अच्छा खासा रैली देखने को मिला है, ये यहाँ पर सिनेरियो बनता हुआ नजर आया। यानी कि मई से लेके अक्टूबर तक जो आई थिंक लगभग 4-5 महीना का समय था, 6 महीना का समय था, वो एक एक्युमुलेशन जोन का यहाँ भी था, जो हमारा पास्ट बुल रन था, और फिर यहाँ से एक इन्होंने नया टॉप लगाया, नया ATH लगाया, जी हाँ दोस्तों, जो कि था भैया अगर हम देखें तो अक्टूबर से लेके यहाँ पर कितना महीना भाई, अप्रैल के मंथ में यहाँ पर नया टॉप लगता है, जो कि $64,000 का होता है। फिर यहाँ पर आता है नया खेला, क्योंकि यहाँ पर होता है फिर से एक बड़ा डंप जो लेके जाता है $30,000 को। फिर यहाँ पर एक बार नया ATH लगता है, जो कि पिछला ATH को भी ब्रेक कर देता है, जो जाता है $69,000 के आसपास, है ना, $69,000 के आसपास। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर बुल रन का एंड होता है और फिर यहाँ पर से बियर रन का एंटर होता है, हम बियर रन के अंदर। तो दोस्तों अगर अभी हम इसी सिनेरियो को देखें तो सेम सिचुएशन हो रहा है, हमने अप्रैल के मंथ में हालविंग किया और अभी दो महीने यहाँ पर ये चल रहा है। जुलाई के मंथ में आपको एक अच्छा कैंडल देखने को मिल सकता है, एक महीने तक मे भी यहाँ पर जो है एक अच्छा बुलिश सिनेरियो थोड़ा टाइम रह सकता है। फिर आएगा सितंबर का मंथ, जो कि एक पंप एंड डंप वाला मंथ रहेगा, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ फिर से इस बार भी इस बुल रन के अंदर भी कि अक्टूबर का मंथ जो है हमें एक नया बुल रन और एक तेजी मार्केट के अंदर देखने को मिल सकता है, और एक बड़ा पंप यहाँ पर हर एक अल्ट कॉइन के अंदर, बिटकॉइन के अंदर, सभी कॉइन के अंदर देखने को मिल सकता है। सो दैट अब यहाँ पर आपसे ये चीज़ें तो क्लियर हो गई होगी, अभी भी अगर कोई डाउट है तो हमसे कमेंट के अंदर पूछेगा या फिर टेलीग्राम के ऊपर जरूर पूछ सकते हैं। ये है आपका बियर फेज, ये अभी जो चल रहा है एक्युमुलेशन जोन, बियर फेज नहीं है, बियर फेज ऑलरेडी एंड हो चुका है, ये एक्युमुलेशन जोन है जो अक्टूबर तक लगभग चल सकता है। तो यार यहाँ पर बाय करो, हमें मालूम है कि बुल रन है, बाय करो, अगर नहीं है फंड होल्ड करो, सिंपल सा, ठीक है, पैनिक सेल आउट नहीं करना, पैनिक में नहीं आना भाई, लॉस में चले जाओगे,
सीधा चलते हैं थोड़ा सा अपडेट की तरफ और जान लेते हैं हैमस्टर कॉम्बैक्ट ने जो यहाँ पर जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है हैमस्टर कॉम्बैक्ट ने। 150 मिलियन यूजर्स ऑलरेडी आ चुके हैं यहाँ दोस्तों, और सबसे थर्ड फास्टेस्ट ऐप यहाँ पर हिस्ट्री के अंदर बन गया है, जो कि 150 मिलियन यूजर के साथ यहाँ पर ट्रेंड कर रहा है। अब भाई क्या लोगों को करोड़पति बना देगा ये, अरबपति बना देगा? नहीं यार, एक चीज याद रखो, जितने लोग आ रहे हैं उतना बड़ा सप्लाई उतना ही कम प्राइस, ये चीज याद रखना। जितना लोग आ रहे हैं उतना कम प्राइस रहेगा, उतना ही हाइप रहेगा। बहुत सारे क्वाइंस लोगों को लाखों लाख क्वाइंस मिल रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है $1 का प्राइस होगा इसका? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये चीज आप मान लो। पहले हमने रनिंग ऐप ऑलरेडी देखा था, जीएमटी है ना, जीएमटी अभी भी क्वाइन है, देखो यार किस तरह से ध्वस्त हुआ है। तो ट्रेंड अगर हम देखिए, हर एक बुल रन के अंदर, हर एक ईयर के अंदर, हर एक साल के अंदर, हर एक आई थिंक ट्रेंड के अंदर आता है जाता है। अभी इसका ट्रेंड चल रहा है, माइनिंग करो कोई दिक्कत नहीं है, जो मिल जाए फ्री में कोई दिक्कत नहीं है। कमाता कौन है? जो इनिशियल स्टेज पे आया है, जिसका रेफरल बहुत ज्यादा है, जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो सब कमाएंगे। हमें और आपको या फिर अगर हम देखें तो भाई ज्यादा कुछ नहीं मिलने वाला है, लेकिन फिर भी फ्री में मिले जो भी मिले अपना कोई दिक्कत नहीं है यार, काम कर लो ठीक है। लेकिन ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत करना कि आप करोड़पति या अरबपति बन जाओगे हैमस्टर कॉम्बैक्ट से, ये कड़वी सच्चाई है और इसको याद रखना ठीक है। बात करते हैं बेबी डॉज क्वेन के बारे में, जो भी चल रहा है काफी डाउन के अंदर आ चुका है, 137 के अराउंड, जो कि काफी ज्यादा डंप के अंदर आ चुका है भाई। 207 मिलियन मार्केट कैप है, और मैं इसी के ऊपर बोल रहा हूँ कि ये 20 बिलियन मार्केट कैप इजिली जा सकता है, यानी कि 100x का पोटेंशियल ये रखे हुआ है, बिकॉज ऑफ सबसे बड़ी चीज है काम कर रहा है। सोलारा ब्लॉकचेन के ऊपर आ गया है, इसका टेलीग्राम गेम आ रहा है, इसका अगर हम देखें तो बैक टू बैक चीजों को बिल्डअप कर रहा है, बैक टू बैक चीजों को शेयर कर रहा है, जो कि अनबिलीवेबल है। दूसरी चीज क्या है भाई, होल्डर्स देखो 18,69,000 से ज्यादा बैप 20, 17,000 से ज्यादा यहाँ पर ERC20, यानी कि होल्डर्स भी काफी ज्यादा यहाँ पर ऑलरेडी है इसके पास। सो दैट मैं मान रहा हूँ कि काफी अच्छा खासा ये प्रॉफिट आने वाले टाइम के अंदर देगा, और चीजों को जिस तरह से प्लान किया है, जिस तरह से चीजों को कर रहा है, वो काफी ज्यादा यहाँ पर अट्रैक्टिव है और काफी अच्छा जो है प्रॉफिटेबल क्वाइन यहाँ पर ये साबित हो सकता है। सो दैट आपको अगर अभी भी लगता है थोड़ा सा भी कि इसके अंदर जान है, अगर आपको लगता है तभी यार, तो थोड़ा सा इसको आप बाय करके अपने पोर्टफोलियो के अंदर एड ऑन कर सकते हो ठीक है, वो भी पूरा का पूरा डिपेंड आप पे करता है। बाकी भैया आज का जो अपडेट था ऑलरेडी मैंने शेयर कर दिया, अभी भी कोई कंफ्यूजन, कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन हो, बेझिझक कमेंट के अंदर पूछिए, या फिर उससे आसान तरीका कि हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, आराम से आइए जुड़िए, हमारे फैमिली का भी पार्ट बन जाइए, और यहाँ पर आप शेयर कर सकते हैं ठीक है। बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, गुड बाय।